सोलन में नगर निगम आयुक्त द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर नया वर्ष नई शुरुआत करने की घोषणा की गई। नई शुरुआत में उनके द्वारा ये बताया गया कि अब शहर के प्रत्येक घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग दिन उठाया जाएगा। इस योजना की सफलता को लेकर सोलन शहरवासियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये योजना एक नई शुरुआत तो की है, लेकिन ये शुरुआत शहरवासियों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकती है, क्योंकि शहरवासी कूड़े की व्यवस्था से पहले ही बेहद दुखी हैं और पैसे देकर भी उनके घर मोहल्ले में गंदगी फैली रहती है। ऊपर से गीला और सूखा कूड़ा शहरवासियों के लिए एक और समस्या पैदा कर सकती है। शहरवासियों ने इस मुहिम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा सफाई को लेकर एक नई योजना तो आरंभ की जा रही है। निस्संदेह नगर निगम आयुक्त की सोच तो बहुत अच्छी है, वे शहर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन इस योजना को आरंभ करने से पहले लोगों के सुझाव और आपत्तियां लेनी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक दिन गीला कूड़ा और एक दिन सूखा कूड़ा उठाना सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इससे घर में ही गंदगी के अंबार लग सकते हैं। क्योंकि सफाई कर्मी रोज नहीं आते तो ऐसी सूरत में कूड़ा घर पर ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से लोग पहले से ही बेहद परेशान हैं। अब ये नई योजना आरंभ कर उनकी परेशानी और बढ़ाई जा रही है। और जो आज कमिश्नर साहब ने पहली प्रेस वार्ता नगर निगम की है, प्रेस वार्ता करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन सोच बड़ी अच्छी है, सेग्रीगेशन के लिए जो उन्होंने पॉइंट उठाया है कि जो अल्टरनेट डे में कूड़ा उठाया जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गीला कूड़ा है वो डेली उठना चाहिए, सूखे कूड़े के लिए आप ठीक है एक दिन छोड़ करके उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ बरसात भी आएगी और उस हिसाब से कई ऐसी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर कई गीला कूड़ा बहुत अधिक होता है। यदि वो वहाँ पर छोड़ा जाएगा और एक दिन बाद उठाया जाएगा तो इससे जो है गंदगी फैलने का अंदेशा रहेगा और बीमारी भी फैल सकती है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि कोई भी स्टेप अगर उठाना है तो उसे इस ढंग से उठाया जाए। ठीक है, सोच अच्छी है, लेकिन अभी लोगों में जागृति लानी पड़ेगी। मेरी कमिश्नर साहब को एक ही रिक्वेस्ट है कि जो उनकी सोच है वो अच्छी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले लोगों के सुझाव लें, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी राय लें, ताकि लोग जो हैं इस काम के लिए, सोच बहुत बढ़िया है इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको अब जो अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है इस पर विचार करने के उपरांत ही इसे शुरू किया जाए। क्योंकि सूखा कूड़ा भी लोग जो हैं वो तीसरे दिन ये उठाने के लिए आते हैं, इनके ऊपर कोई चेक नहीं है। सबसे पहले तो अपनी कार्य प्रणाली को जो है सुधार करें। धन्यवाद। तो बेसिकली जो कूड़े की समस्या है ये तो बहुत पहले से मतलब चल रही है, और सोलन शहर ने और लोगों ने भी बड़ा मदद करा है, प्रशासन का बड़ा मदद किया है कि कूड़े का जो सलूशन कुछ अच्छा आ जाए सामने। लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी सामने क्लियरली परफेक्टली मतलब हो ही नहीं पाई है सही। अभी भी अगर हम मान लो आज अगर देखें तो नए नए वादे हो रहे हैं कि ऐसा करेंगे हम लोग, वैसा करेंगे, तो ठीक है वो एक नया एंथुजियाज्म है, नए साल की प्रक्रिया है, अच्छे से करनी भी चाहिए हमें, लेकिन वो कितनी हद तक पूरी पड़ती है उसके बारे में कोई श्योरिटी तो नहीं बोल सकते हम अभी ऐसा होगा, क्योंकि पास्ट में जो हुआ है वो कूड़े की समस्या सोलन में रही है काफ़ी। और अगर दुकानों से भी कूड़ा लेकर जा रहे हैं तो बहुत सी ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ जिनका कूड़ा होता ही नहीं है, वो कोई कूड़ा लेके नहीं जाता है उनसे, लेकिन फिर भी इनको बिल आ जाता है। हमारी भी शॉप है यहाँ पे, हमारा कूड़ा होता ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी, फिर भी बिल आता है। हमने लिख के भी दिया है नीचे प्रशासन को, लेकिन उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं हुआ है। बेसिकली जो अगर हम घरों की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर में गीला कूड़ा या सूखा कूड़ा इकट्ठा रखता है, वो इकट्ठा ही रखता है, अलग अलग कोई भी नहीं रखता है। और इतना गीला कूड़ा होता भी नहीं है जिसके लिए कि अब एक दिन गाड़ी आएगी गीला कूड़ा लेने के लिए, एक दिन गाड़ी आएगी सूखा कूड़ा लेने के लिए। तो ये मतलब आप देखो आज का कूड़ा जो परसों उठेगा मतलब उससे कितनी गंदगी फैलेगी, ये चीज़ अभी कोई स्पष्ट हो नहीं रही है अच्छे से कि कैसा रहेगा ये। आप देखो अगर एक गीला कूड़ा है, एक अगर मान लो किसी की शॉप है मोमोज की या चाउमीन की या कुछ है, उसका तो गीला कूड़ा बहुत होता है, अब वो आज का कूड़ा परसों उठाएंगे तो आप सोचो वो कितनी गंदगी फैलेगी। सेशन जो है वो जैसे कि अभी जो है वो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा जो है वो अलग अलग लिया जाएगा, और उसके लिए गाड़ियां भी अलग अलग तरीके से आएगी। तो जो स्टोरेज है गीले कूड़े का, जो स्टोरेज है वो काफी दिन तक अगर स्टोर रहेगा घरों में भी, तो स्वाभाविक है कि वहां पे जो है वो गंदगी फिर और ज्यादा फैलेगी।
ये या तो ऐसा रहे कि भाई साथ ही एक दिन ही सारी चीज़ें सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा इनको एक साथ जो है वो उठाया जाए, ये स्टोरेज के लिए अगर रहेगा एक दिन ये आएगा, एक दिन सूखे कूड़े के लिए, एक दिन गीले कूड़े के लिए, तो ये बहुत ग्राउंड लेवल में इस व्यवस्था को बनाए रखना और स्वच्छ रूप से वो बहुत ही बहुत मुश्किल है।